द यंग पर्सन इट इज श्योर दैट दे विल ब्लॉसम। अर्थात यदि हम यंग लोगों की, जवान लोगों की प्रशंसा करें तो निश्चित रूप से वो फूल की तरह खिल उठते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट द गुड सेंटेंसेस, कैसे बनेंगे ये वाक्य, हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, मेरे पैसे का क्या हुआ। हम ज्यादातर ये पूछते ही है बातचीत के लिए कि हमारे पैसे का क्या हुआ, किसी ने किसी को उधार दिया है और वो दे नहीं रहा है तो दूसरा व्यक्ति जरूर पूछेगा उधार देने वाला, मेरे पैसे का क्या हुआ। तो देखिए इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, व्हाट बिकेम ऑफ माय मनी, व्हाट बिकेम ऑफ माय मनी। व्हाट माने क्या, बिकेम माने हुआ, बिकम बिकेम बिकम, इसकी तीन फॉर्म्स होती है वर्ब की। ऑफ माय मनी, मेरे पैसे का क्या हुआ, तुमने दिए नहीं, मेरे पैसे का क्या हुआ, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा, मेरे पैसे का क्या हुआ। दूसरा सेंटेंस, तीन और दो पांच होते हैं, तीन और दो पांच होते हैं, बड़ा साधारण सेंटेंस है, तीन और दो पांच होते हैं। इसकी इसका जो अंग्रेजी बनेगी, ट्रांसलेशन बनेगा अंग्रेजी में, थ्री एंड टू मेक फाइव, थ्री एंड टू मेक फाइव, थ्री माने तीन, एंड माने और, टू माने दो, मेक बनाते हैं फाइव, यानी तीन और दो से मिलकर के पांच बनते हैं, तीन और दो से मिलकर पांच बनते हैं। तो ये इस प्रकार से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये, थ्री एंड टू मेक फाइव, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिन छोटे होते जा रहे हैं, जैसे आजकल है जाड़े चल रहे, इसी हिसाब से मैंने ये सेंटेंस बनाया। तो दिन तो छोटे होते जा रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही है, तो इसी के हिसाब से मैंने ये सेंटेंस लिया है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, द डेज दिन आर गेटिंग हो रहे हैं शॉर्टर, छोटे दिन छोटे होते जा रहे हैं, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्टर माने छोटा, क्या है, द डेज आर गेटिंग शॉर्टर, दिन छोटे होते जा रहे हैं। देखें अगला चौथा सेंटेंस, किसी के तो बन के रहो, किसी के तो बन के रहोगे, तो कहते ही हैं सब, किसी के एक किसी के तो बन के रहो, बिलोंग टू समवन और अदर, किसी के तो होके रहो, किसी से संबंध, बिलोंग माने संबंधित होना, बिलोंग के आगे टू आता है, बिलोंग टू समवन, किसी के, किसी ना किसी के बन के रहो, इसका अर्थ बैठता है, बिलोंग टू समवन और अदर, किसी ना किसी के बन के रहो। तुम किसी काम के नहीं हो, अब सेंटेंस आता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तो देखिए इसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है, ये सेंटेंस प्रसिद्ध भी है, यू आर गुड, अब शुरू में लगता है कि बहुत अच्छा बात बता रहा है, यू आर गुड, तुम बहुत तुम अच्छे हो, फॉर नथिंग, किसी भी काम के नहीं हो, नथिंग माने कुछ नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब देखें इसमें दृढ़ता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, इसकी अंग्रेजी बनती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा। तो ये विल से बनेगा अगला वाक्य, विल से शैली लगेगा, इसमें विल लगेगा क्योंकि मैं जरूर जाऊंगा, तो जब आई के साथ वी के साथ शैल नॉर्मली आता है, लेकिन जब विल लग जाता है आई के साथ तो क्या होगा, जरूर शब्द का प्रयोग करने की, अंग्रेजी बनाने की जरूरत ही नहीं होती, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा,
रात हो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। रात हो गई है, नाइट हैज फॉलन। रात हो गई है, नाइट हैज फॉलन। नाइट माने रात आ गई है, गिर गई है। नाइट हैज फॉलन, रात हो गई है। यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द का प्रयोग होता है उसमें शुड लगता है। जैसे नाइट हैज फॉलन, रात हो गई है। यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। अब अगला सेंटेंस इसी से मिलता जुलता है कि ये कैसे बनाएंगे। इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट था, नाइट जो है, नाइट हैज फॉलन, रात हो गई है। अब देखें रात हो रही है, इसकी कैसे बनेगी, इट लगा करके बनेगी इसकी अंग्रेजी, इट इज ग्रोइंग डार्क। और या ग्रोइंग के स्थान पर हम गेटिंग भी लगा सकते हैं, गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क या ग्रोइंग डार्क। रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, डार्क माने अंधेरा, अंधेरा हो रहा है। यू शुड गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। अगर तुम, अगला सेंटेंस देखें, अगर तुम कल जाओ तो यहां से होते हुए जाना। अगर तुम कल जाओ तो यहां से होते हुए चले जाना, मेरी तरफ से, मेरे घर से होते हुए चले जाना, गली से होते हुए चले जाना। अगर तुम कल जाओ तो यहां से होते हुए जाना। इफ यू गो टुमारो, अगर तुम कल जाओ, आने वाला कल, टुमारो माने आने वाला कल, यस्टरडे माने बीता हुआ कल। इफ यू गो टुमारो, पास थ्रू दिस प्लेस या वाया दिस प्लेस, दोनों ही सही है। पास थ्रू दिस प्लेस या वाया दिस प्लेस, यहां से होते हुए चले जाना, कोई काम होगा इसलिए कह रहे हैं। अब अगला सेंटेंस देखें, दीवारों के भी कान होते हैं। हमने ये सुना है कि भाई ये प्रॉवर, दीवारों के भी कान होते हैं भाई, तो इसको अंग्रेजी कैसे बनेगी। इवन शुरू में लगेगा, इवन माने होता है भी। इवन वॉल्स, वॉल्स माने दीवारें। हैव ईयर्स, इवन वॉल्स हैव ईयर्स, अर्थात दीवारों के भी कान होते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी। कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, वी शैल फेस द म्यूजिक, इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से बनती है, वी शैल फेस द म्यूजिक, देखा जाएगा, हम देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कम व्हाट मे, वी शैल फेस द म्यूजिक, हम देख लेंगे जो होगा, इस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी। जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। व्हाट इज अलॉटेड, ये बहुत अच्छा है, याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। अलॉटेड, जो लिख लिया हमारे भाग्य में, व्हाट इज अलॉटेड, अलॉट कर दिया गया हमें, कैन नॉट बी ब्लॉटेड, मिटाया नहीं जा सकता, ये इसका अर्थ हुआ। अर्थ है जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। व्हाट इज अलॉटेड, इसकी अंग्रेजी बनेगी, व्हाट इज अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो हमारे भाग्य में लिख गया वो कभी मिटारा नहीं जा सकता, इसकी एक और अंग्रेजी। व्हाट इज डेस्टिन्ड इज बाउंड टू हैपन, व्हाट इज डेस्टिन्ड, जो लिख गया हमारे भाग्य में, इज बाउंड टू हैपन, होके रहेगा, इज बाउंड टू हैपन, होके रहेगा। अब अगला सेंटेंस और भी बढ़िया है, हैकड़ी मत दिखा, चुपचाप चला जा, ये धमकी दी जा रही है। हैकड़ी मत दिखा, चुपचाप चला जा, डू नॉट शो ऑफ ब्रेवाडो, डू नॉट शो ऑफ ओ डबल एफ, डू नॉट शो ऑफ ब्रेवाडो, ब्रेवाडो की हिंदी है हैकड़ी। डू नॉट शो ऑफ ब्रेवाडो, गो साइलेंटली फ्रॉम हियर, यहां से चुपचाप चले जाओ, गो साइलेंटली, गो माने चले जाना, साइलेंटली माने चुपचाप, फ्रॉम हियर माने यहां से, यहां से चुपचाप चले जाओ। डू नॉट शो ऑफ ब्रेवाडो, अपनी हैकड़ी मत दिखाओ। लास्ट सेंटेंस है,
ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि, इट सीम्स दैट, की अंग्रेजी होगी दैट, इट सीम्स दैट यू, तुम पर किसी की हाय पड़ गई है। हाय की अंग्रेजी होती है कर्स, सी यू आर एस ई, कर्स, अभिशाप। ऐसा लगता है कि तुम पर किसी की हाय पड़ गई है। इट सीम्स दैट समबडीज कर्स हैज फॉलन ऑन यू, किसी की का अभिशाप तुम्हारे ऊपर पड़ गया है। अभिशाप, हाय, तो हाय की अंग्रेजी कर्स होती है। ऐसा लगता है कि तुम पर किसी की हाय पड़ गई है, अर्थात इसको हाय पड़ गई है को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ। ऐसा लगता है कि समबडीज, किसी की, समबडीज माने किसी की, कर्स माने हाय, हैज फॉलन ऑन यू, तुम्हारे ऊपर पड़ गई है। फॉलन माने पड़ गई है, हैज फॉलन पड़ चुकी है, ऑन यू तुम पर। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समस्या पैदा हो रही हो, तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। God bless you. Thank you very much.